हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। वेलकम है आप सबका एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। जैसा कि आप सब पीछे देख सकते हो, पीछे पड़ी हुई है अपनी इंडियन कार जो कि रेड वाली है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, व्हाइट वाली है टोयोटा फॉर्च्यूनर, ब्लू वाली है मारुति बलेनो एंड फोर्थ कार है अपनी ह्युंडई की कोना। बट भाई ये सब तो थी हमारे इंडियन कार्स। लेकिन जैसा कि आप सब देख ही सकते हो, मैं उस लोकेशन पर आया हूँ लॉस सैंटोस के, जहाँ पर भाई काफी तगड़ी स्नोफॉल हुई है जैसा कि आप सब देख ही सकते हो। बट आप सबको दिखाता हूँ भाई कितनी तगड़ी स्नोफॉल हुई। जैसा कि आप सब इस कार को देख सकते हो भाई, इसकी व्हील पूरी धस चुकी है एंड यहाँ तो देख ही सकते हो भाई क्या ही कुछ सीन मचा हुआ है। तो आप सबको आइडिया लग ही गया होगा आज मैं करने क्या वाला हूँ, यानी कि गाइस स्नोफॉल में सभी कार का चलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और आज मैं करने वाला हूँ भाई अपनी चारों कार को इस स्नोफॉल में टेस्ट, यानी कि यहाँ पर मैं इन कार्स को चलाने वाला हूँ। साथ ही साथ एंड में एक वाटर क्रॉस भी आता है, तो देख सकते हो हमारे पास सबसे छोटी गाड़ी है स्विफ्ट, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा कम है। इसलिए स्टार्ट करते हैं उस गाड़ी से जिसमें भाई कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है, वो है भाई अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो फटाफट से कर लेते हैं भाई इसे अनलॉक एंड बैठ जाते हैं अपनी फॉर्च्यूनर में और निकलते भाई इस तगड़े एक्सपीरियंस के लिए। डर काफी ज्यादा लग रहा है बट भाई मजा भी काफी ज्यादा आने वाला। तो पहले यहां से तो आराम से उतार लेते हैं। ओके, उतर चुका है अपना कार, पीछे वाला व्हील भी उतर चुका है, तो लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी से मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, बट आराम आराम से चलेंगे क्योंकि ज्यादा स्पीड करेंगे तो फिर भाई दिक्कत भी हो सकती है। और भाई व्हील तो काफी ज्यादा स्लिप कर रही है, बट कोई नहीं स्किड तो खा रही है अपनी व्हील, लेकिन संभाल संभाल के चलाते हैं। भाई फॉर्च्यूनर की ये हाल हो रही है, तो सोचो भाई बाकी सारी कार की क्या कुछ हाल होने वाली है। लेकिन हाँ चलो, फॉर्च्यूनर अपना थोड़ा सही सा परफॉर्म कर रहा है। उम्मीद तो सबसे ज़्यादा भाई मुझे फॉर्च्यूनर से ही है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो भाई तकलीफ दे रही है फॉर्च्यूनर भी। लेट्स सी कि क्या ये इस टेस्ट को पार कर पाती है या फिर नहीं। ओ सेट सेट, लड़ गई। कोई नहीं, लड़ने तो भाई, लड़ेगी तो बाकी सारी कार्स भी, इसलिए रिपेयर तो सारी को करवा लेंगे हम। लेकिन भाई देखते हैं डेस्टिनेशन तक पहुँचती है या फिर नहीं। रास्ता तो आप सबको भाई पता चल ही रहा होगा, तो लेट्स सी भाई क्या होता है। ओके, भाई अभी तक तो बिल्कुल सही जा रही है अपनी फॉर्च्यूनर। सही मतलब भाई दिक्कत हो रहा, बट हाँ रुक नहीं रही है, आगे जा रही है। बस इसी तरह से चलती रही तो भाई क्या ही दिक्कत है ज़िंदगी में भाई। बट आप सोचो कि अगर फॉर्च्यूनर की ये हाल हो रही है तो भाई बाकी सारी कार्स की क्या होने वाली है। मैं ही भाई समझ सकता हूँ अभी क्या कुछ हो रहा है हैंडल करने में। लेकिन हाँ जैसे तैसे कर कर निकल रही है। ओके, बहुत अच्छा। ओ लड़ गई। तो भाई अपनी सारी कार्स लड़ेगी ऑलमोस्ट, लेकिन हाँ देखते भाई एंड तक कौन सर्वाइव करता है। क्योंकि अभी एक मैंने जैसा कि पहले कहा भाई, एक वाटर क्रॉसिंग भी आने वाला एंड में, तो मुझे लग रहा है भाई फॉर्च्यूनर ये स्नोफॉल से तो ऑलमोस्ट पार कर चुकी है, क्योंकि ये अपने वाटर क्रॉसिंग के पास पहुंचने वाली है। ओके स्पीड बढ़ गई, बहुत अच्छे। अरे ऐसी स्पीड से चलना था भाई, और रुकने लगी अब। आराम से। पीछे भाई व्हील देख सकते हो आप, क्या ही तगड़ा स्किड खा रहा है। कोई नहीं। आराम से चल। अरे कहाँ ठोक दिया मैंने। ओके, कोई नहीं भाई, ठुकेगा ही अपना। कोई नहीं, आराम से पीछे करते और चलते भाई। चलो। बहुत अच्छे भाई। लास्ट में आगे धोखा मत देना ना फॉर्च्यूनर भाई, उम्मीद मत तोड़ना फॉर्च्यूनर। चलो। बहुत अच्छे। चलो। ओके। भाई ये बीच में घर किसने रख दिया। कोई नहीं, आराम से निकालेंगे भाई। घर को उड़ा दे क्या? नहीं, छोड़ देते भाई, किसी और घर से उड़ाएंगे तो भाई पक्का। चलो। ओके, देख सकते हो भाई सामने आपको दिख रही है वाटर क्रॉसिंग। और इस कार भाई, इस वाटर क्रॉसिंग के अंदर कई सारे कार डूब जाती है। लेट्स सी फॉर्च्यूनर क्या सर्वाइव कर पाती है या फिर नहीं। ओके, निकल गई। ओ भाई साहब, पहुंच चुके अपने एंड लाइन पर, यानी कि भाई अपनी फॉर्च्यूनर सर्वाइव कर चुकी है भाई इस वाटर क्रॉसिंग प्लस स्नोफॉल के टेस्ट में। तो चलो भाई अपनी दूसरी कार को लेकर आते हैं। ओके, तो भाई फॉर्च्यूनर है तो अपनी उम्मीद नहीं तोड़ी, अब ट्राई करते हैं अपनी दूसरी सबसे बड़ी कार यानी कि ह्युंडई के कोना को। लेट्स सी कि भाई ये कैसा कर परफॉर्म करती है, क्या ये इस टेस्ट को पार कर पाती है या फिर नहीं। सबसे पहले तो भाई नीचे उतार लेते हैं आराम से। ओके चलो, आगे का व्हील आ चुका है, पीछे का व्हील आ चुका है, तो चलो भाई। अरे ये तो आगे नहीं बढ़ी। अरे बढ़ जा भाई। अच्छा बढ़ गया, चलो। अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रही है फॉर्च्यूनर ने, तो भाई थोड़ा सही परफॉर्म किया है। लेट्स सी भाई ह्युंडई की कोना कैसा करती है, ये तो भाई आगे नहीं चल रही है। चलो। बहुत अच्छे। चलो। बहुत अच्छे। अरे चल रहे। बहुत अच्छा भाई, डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा कार इधर उधर जा रही है। अरे चल ले भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो भाग ही नहीं रही है। हाँ चली। भाई ऐसा ना हो मैं कहीं जाकर लड़ा दूँ सीधा। वैसे लड़ेगा तो लड़ेगा ही भाई, कोई नहीं, लड़ने से नहीं रुक सकते। लेकिन हाँ भाई अपनी टेस्ट पार होनी चाहिए पूरी, मतलब कार कहीं अटकना नहीं चाहिए हमारा, ना ही वाटर क्रॉसिंग में, ना ही भाई इस स्नोफॉल वाले। अरे ठोक दिया मैंने। देखो भाई मैं बोल ही रहा था ना मैं ठोकूंगा, ये देखो भाई ठोक दिया मैंने।
कोई नहीं भाई, कार तो ठुके गई अपनी, फॉर्चुनर भी ठुक गई, तो भाई ये क्या सीन है। सोचो भाई जब हम स्विफ्ट से करेंगे तो क्या होने वाला है। इसके बाद बलेनो बची है अपनी और स्विफ्ट बची है, तो ये तो मुझे लग रहा है भाई निकल जाएगी। ये भी अच्छा परफॉर्म किया, बस शुरू में थोड़ी दिक्कत दी है लेकिन उसके बाद अच्छा ही परफॉर्म किया इसने भी। चलो भाई ह्यूंडई की कोना तो मुझे लग रहा है पास कर जाएगी। वाटर क्रॉसिंग में क्या होता है, ह्यूंडई कोना और फॉर्चुनर भाई थोड़ी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ी थी तो इन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता यहाँ पर। अब जो बची है वो थोड़ी तकलीफ़ देने वाली गाड़ी है, यानी कि उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होने वाला है भाई इस स्टेज को पार करने में। लेट्स सी होता है या फिर नहीं। दोनों भाई अपनी मारुति की गाड़ी बची है। ओके ओके ओके, बहुत अच्छे भाई ह्यूंडई की कोना, बहुत अच्छा। निकल जा 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 निकल जा। इस बार घर तोड़े भाई नहीं, छोड़ देते हैं। अच्छा साइड में एक है ना, उसे उड़ाते। ओके चलो 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 चलो, आजा आजा आजा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा। ओके चलो भाई घर देखा जाएगा, किसी और गाड़ी से उड़ाएंगे तो उड़ाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे भाई। चलो चलो चलो, उतर जा उतर जा उतर जा उतर जा उतर जा। ओके यहाँ से तो भाई आराम से उतर जाती है। चलो 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 चलो, जल्दी 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 चलो। ओ डुबी डुबी डुबी, निकल गई निकल गई निकल गई। ओ भाई साहब, चलो ह्यूंडई की कोना भी निकल चुकी है एंड भाई दो गाड़ी तो अपनी इस स्टेज में पार हो चुके, जो कि भाई थोड़ी बड़ी बड़ी थी। पर चलो अब लाते भाई अपनी तीसरी गाड़ी जो कि है बलेनो को। ओके गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हो अब बस हमारी दो ही गाड़ी बची है, जो कि है मारुति की स्विफ्ट और मारुति की बलेनो। सबसे पहले चलो भाई बलेनो से ट्राई मारते हैं, सबसे लास्ट में हम सबसे छोटी गाड़ी यानी कि स्विफ्ट को ट्राई करेंगे, क्योंकि भाई उसका निकलना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। बलेनो देखो भाई कैसा परफॉर्म करती है, इसका भी थोड़ा मुझे डिफिकल्टी लग रहा है, लेट्स सी क्या होता है। चलो चलो बहुत अच्छा। ओके उतर तो भाई सही गई, अब देखो आगे क्या होता है, क्योंकि भाई अभी तो ये बस स्टार्टिंग है, आगे काफ़ी कुछ खतरा आने वाला है। चलो चलो बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छे भाई, कुछ ज़्यादा स्पीड खा रही है लेकिन हाँ चल अच्छी रही है, मतलब स्पीड चल रही है, ऐसा नहीं कि भाई एक जगह रुक गई है। स्पीड तो खा रही है बट हाँ भाई स्पीड चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके 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 ओके, चलो भाई एंड भाई एक्सपेक्टेशन से तो बोल रहा हूँ भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, बस भाई वाटर क्रॉसिंग में आकर धोखा ना दे दे, वही डर है। देना तो नहीं चाहिए बट हाँ भाई कुछ भी हो सकता है, ये टेस्ट। ओ सेट सेट सेट, ठुक गई ठुक गई ठुक गई, अब नहीं ठुकना है अब नहीं ठुकना है अब नहीं ठुकना है। वैसे भाई ठुकेगी तो सारी कार को मुझे रिपेयर कराना है, इससे ज़्यादा भाई टेंशन वगैरह नहीं है। ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, स्किड तो खा रही है व्हील पर कोई नहीं, और एक वाटर क्रॉसिंग बचा। मुझे तो लग रहा है भाई ये स्नोफॉल वाली चीज़ तो पार कर ही जाएगी अपनी बलेनो आराम से, दिक्कत तो होने वाली भाई अपनी स्विफ्ट को। तो चलो भाई जल्दी जल्दी से हम अपनी वाटर क्रॉसिंग के पास लेकर चलते हैं। ओके ओके चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऑलमोस्ट अब हम आने वाले उस जगह पर। चलो चलो स्पीड 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 स्पीड। ओके ओके चलो चलो भाई, बलेनो ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मैं तो सोच रहा था भाई ये आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन हाँ। अरे अरे चलो बहुत अच्छा, अरे भाई क्या स्पीड पकड़ी थी, इसी स्पीड से रहता तो भाई सारी कार्स को फेल कर देता, बट कोई नहीं भाई गलती से चला गया था, फिर से ट्राई करता हूँ फिर से ट्राई करता हूँ। चलो 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 चलो, नहीं नहीं नहीं, लेकिन हाँ भाई सही चल रही बलेनो, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था भाई उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुझे तो भाई मन करा घर तोड़ने का, तोड़ दो। ओके घर तो तोड़ दिया है मैंने। चलो अब आ चुके अपने वाटर क्रॉसिंग के पास, लेट्स सी क्या ये बलेनो पास कर पाती है, मैं थोड़ा स्पीड में जाता हूँ। ओके ओके चलो 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 चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओ भाई क्या स्मूथली निकली है यार, मतलब फॉर्चुनर भी जाकर लड़ गई थी बट बलेनो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली आ चुका है। तो चलो भाई अब बची है अपनी लास्ट कार जो कि है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ओके तो चलो भाई फिर देर किस बात की, एंड हो चुका अपना स्विफ्ट अनलॉक और बढ़ते भाई आगे। सबसे ज़्यादा डर भाई मुझे इसी कार में लग रहा है, देखते क्या ये अटकती है या फिर हम सभी को करती है भाई काफ़ी तगड़े वाला तरह से शॉक। लेट्स सी क्या होता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है भाई, इतना स्पीड कैसे भाग रही है ये, अरे भाई क्या ही हो रहा है ये। ओके ओके चलो अभी तक तो ठीक है, बट जो भी बोलो भाई मैंने स्विफ्ट से तो इतना उम्मीद नहीं किया था, और भाई उम्मीद तो मैं आगे वाटर क्रॉसिंग में भी नहीं कर रहा, क्योंकि भाई इस कार की हाइट थोड़ी छोटी है, हो सकता है उस वाटर क्रॉसिंग में ये कार डूब जाए। कोशिश तो मैं नहीं करूँगा डुबाने की, यानी कि मैं चाहूँगा भाई मैं स्पीड में जाऊंगा थोड़ी, ताकि भाई वाटर की वेव वगैरह ज़्यादा दिक्कत ना करे। लेकिन यहाँ देख सकते हो भाई क्या ही एक्सेलेंट परफॉर्म कर रही है ये कार, मैंने तो भाई बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। सिंपल भाषा में कहा जाए तो भाई स्विफ्ट हमारा छोटा पैकेट और बड़ा धमाका निकला, देख सकते हो क्या ही मस्त चल रहा है। ओके ओके चलो चलो बहुत अच्छे, लास्ट में आके बाहर धोखा मत दे देना। धोखा तो भाई अब मुझे नहीं लग रहा है ये स्नोफॉल में देगा, धोखा दे सकता है भाई अपने वाटर क्रॉसिंग में। वैसे आप क्या चाहते हो, ये तो भाई अपने नॉर्मल वाटर क्रॉसिंग थे ठीक ना, आप अगर चाहते हो भाई एक खतरनाक वाली वाटर क्रॉसिंग मैं सारे अपने इंडियन कार को टेस्ट करूं, तो आप सब नीचे कमेंट कर बता सकते हो, मैं डेफिनेटली से वो चीज़ करूंगा। लेकिन हाँ देखते हैं भाई स्विफ्ट क्या इसी वाटर क्रॉसिंग में पास कर पाती है या फिर नहीं, तभी हम इसे भाई अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए लेकर जा सकते हैं, तो बताना भाई ज़रूर से नीचे कमेंट कर। ओके चलो तो अपने स्नोफॉल वाला टेस्ट तो ऑलमोस्ट इसका पार हो चुका है,
ओके ओके चलो भाई, लास्ट धोखा मत देना स्विफ्ट। अरे अरे नहीं 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 निकल जा निकल जा निकल जा। ओके ओके बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई, बस धोखा ना दे लास्ट में, नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए। जैसे तैसे तो भाई निकल ही जाएगा। चलो 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 चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वहीं पर अगर अपनी कोई नॉर्मल कार रहती ना सिचुएशन में तो भाई ये चल ही नहीं पाती यहाँ पर। ओके भाई फिर घर कैसे बन गया, चलो तोड़ देता हूँ। ओके 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 चलो टूट चुका है आधा अधूरा, कोई नहीं। अब थोड़ी मैंने जैसा बोला भाई, मैं थोड़ी स्पीड करूँगा ताकि ये जो वाटर की वेव वगैरह इसका कुछ बाल भी बाका ना कर पाए। ओके चलो 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 चलो। ओ आधी कार डूब चुकी है भाई ऑलमोस्ट। चलो 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 ओके निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए भाई। अपनी स्विफ्ट भी इन तीनों बड़ी कार्स के साथ भाई पार कर चुकी है इस टेस्ट को। भाई मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है। ओके गाइस, तो चलो अपनी चारों कार तो पार कर चुकी है इस टेस्ट को, बट आप सबको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि भाई किस कार ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा अगर आप सब चैनल पर नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दो। तो गाइस मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में किसी और गेम प्ले के साथ।